हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन योर यूट्यूब चैनल श्याम व्लॉग। और आज आपके सामने मैं नए अतर का रिव्यू करने वाला हूं जो कि अलनकी ब्रांड से है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अलनकी का सिग्नेचर ब्रांड का, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें दो लोगों ने सही जवाब दिया। मैं उनको शाउट आउट देना चाहता हूँ और वो है नाम है मोहम्मद आजम कादरी एंड सोहेल मोहम्मद। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने सही जवाब दिया और इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरह सबको जो भी सही जवाब देगा उनको शॉर्ट आउट मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये है अलनकी ब्रांड का गिफ्ट पैक जो कि मैंने परचेज़ किया था और ये इसमें सारे 3 ml के अतर मिलते हैं। तो आज मैं इसी में से एक काफ़ी फेमस अतर है जिसका मैं आज रिव्यू करूँगा और ये आप देख सकते हैं। और चलिए इसे ओपन कर लेते हैं, साथ में बताते हैं कि आज मैं किस अतर का रिव्यू करूंगा जो कि काफ़ी फेमस अतर है और नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसका। तो ये है फ्रेंड्स अलनकी ब्रांड का मस्क तहारा। ठीक है, जैसे आपको नाम से पता चल गया होगा मस्क तहारा। सो ये कलर में ये वाइटिस होता है, काफ़ी थिकनेस होती है इसकी, गाढ़ापन इसका बहुत ज़्यादा होता है। और आपने बहुत फेसबुक पे या यूट्यूब पे ऐसे इसके इसको है ना बोतल में शीशी में भरते हुए देखा होगा, तो आज उसी का मैं रिव्यू करूँगा। तो दिल थाम के बैठिए फ्रेंड्स और चलिए अब इसको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा है ये, देख सकते हैं आप। और अभी इसको मैं हाथ पे थोड़ा सा रब कर लेता हूँ लगा के, एंड थिकनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा है और ये दानेदार है फ्रेंड्स। इसमें ओरिजिनल की पहचान यही है कि ये दानेदार होगा आपको। ठीक है, लिक्विड की शेप में है पर आपको दानेदार दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं मैंने मेरे हाथ पे रब कर लिया है। और हाँ, इसको हम बॉडी पे लगा सकते हैं। ठीक है, बॉडी लोशन की तरह इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा इसको ड्राई डाउन होने देता हूँ और अभी इसको महसूस करते हैं हम कि ये कैसी इसकी खुशबू है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको चेक कर लिया है अभी और बहुत ही प्यारी खुशबू है ये, बहुत पसंद आई है मुझे। और अभी जैसे समर स्टार्ट हो गया है, समर धीरे धीरे अभी परवान चढ़ेगा और गर्मी का सीज़न आएगा तो उसके लिए भी ये मस्क तहारा आप यूज़ कर सकते हैं और विंटर के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सीज़न में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही शानदार ये है। और इसको लगाने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप नहाने के बाद जैसे आप वार्म वाटर से बात करते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, तो उसके बाद इसको बॉडी लोशन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही आप इसको कपड़ों पे भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या है तो वो सबसे पहले मैं इसकी जो खुशबू है वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी खुशबू फ्रेश है, ठीक है, स्वीट है, स्वीट में फ्रेशनेस है। ठीक है, और ऐसा कुछ भी इसमें जैसे सिट्रिक जो होता है मतलब खट्टापन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्वीट स्मेल है, फ्रेश स्मेल है, मस्की सी स्मेल है और क्रीमी टाइप की इसकी स्मेल है। मेन आपको इसकी मेनली स्मेल आपको क्रीमी टाइप की लगेगी और ये कोई भी लगा सकता है फ्रेंड्स, मेल फीमेल सब लगा सकते हैं। इसकी मेन पहचान यही है फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल की ये दानेदार होगा। साथ में इसको कब लगाना चाहिए, ठीक है, तो फ्रेंड्स शाम के समय, ठीक है, और आप फ्रेंड्स ऑफिस से घर आए तो उसके बाद आप नहाएंगे गर्मियों में तो उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शाम को आप किसी से मिलने जाएं तो आप उस समय यूज़ कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये। और ऐसा समझ लीजिए कि जब जैसे गर्मी के मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं तो उसके साथ जो इसकी खुशबू आएगी तो काफ़ी मज़ा आएगा। इसकी खुशबू फ्रेंड्स माइल्ड है और इसका जो प्रोजेक्शन है और लॉन्ग लास्टिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्शन इसका लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब ही होगा, यानी काफ़ी पास अगर आपके कोई आएगा तो उसको खुशबू इसकी महसूस होगी और बहुत ही अच्छी लगेगी उसको ये खुशबू। साथ में ही मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो लॉन्ग लास्टिंग है वो लगभग 5 से 6 घंटे ही है, क्योंकि ये थोड़ा कम लॉन्ग लास्टिंग है फ्रेंड्स। और ये इसको सब लगा सकते हैं, कभी भी बेस्ट चीज़ है ये। और ज़रूर आप इसे परचेज़ करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।